हेलो क्लास, यहाँ पर हम पार्ट 9 पे चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट 9 आपका है करण कारण तृतीय विभक्ति। पिछले पार्ट में हमने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की बात की थी, कर्ता कारक और कर्म कारक की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करण कारक यानी कि तृतीय विभक्ति। यानी करण कारक का मतलब होता है जहाँ पर किसी कार्य की पूर्ति साधन के द्वारा होती है। जिस साधन से आपके कार्य की पूर्ति होती है वो आपका क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। आइए इसको देखते हैं। श्री राम नृप भविष्यति, श्री राम राजा बनेंगे। अयोध्यावासी एतत् श्रुत्वा प्रसन्ना भवन्ति, अयोध्यावासी एतत् ऐसा श्रुत्वा सुनकर प्रसन्ना भवन्ति प्रसन्न होते हैं। परंतु लेकिन एका ललना अप्रसन्ना आसीत, एक औरत दुखी होती है या दुखी थी। परंतु एका ललना अप्रसन्ना आसीत, लेकिन एक औरत अप्रसन्न थी। सा एका सेविका आसीत, वह एक सेविका थी। सा माता के कई निकटे गच्छति कथ्यति च, वह माता के कई के निकट गच्छति जाती है च, और कथ्यति कहती है। माता के कई ध्यानेन वार्ता श्रुणोति, माता के कई ध्यान से बातों को सुनती है। सा क्रोधे कोप भवनम गच्छति, वह क्रोध से कोप भवन में चली जाती हैं। नृप दशरथ तत्र आगच्छति, राजा दशरथ तत्र वहाँ आगच्छति आते हैं। पृच्छति च, और पूछते हैं। तदा माता के कई कथ्यति, तब माता के कई कहती हैं कि श्री राम नृप न भविष्यति, श्री राम राजा नहीं बनेंगे। पुत्र भरता एव नृप भविष्यति, पुत्र भरत ही राजा बनेगा। केकई हठेन श्री राम चतुर्दश वर्षाणी हेतु वनम गच्छति, केकई के हठ से श्री राम चतुर्दश वर्षाणी 14 वर्षों के लिए हेतु के लिए वनम गच्छति वन को जाते हैं। कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण अपि तेन सह वनम गच्छति, कनिष्ठ भ्राता छोटे भाई लक्ष्मण अपि भी तेन सह उनके साथ वनम गच्छति वन को जाते हैं। सीता अपि वनम गंतुम खत्म करोति, सीता अपि सीता भी वनम गंतुम वन को जाने के लिए हटम करोति हट करती हैं। अंततः अंत में सा अपि वह भी रामेण सह वनम गच्छति, राम के साथ वन को जाती हैं। रामा सीता लक्ष्मण च मिलित्वा सुखपत्रय एका पर्णशाला अरचयत, राम सीता और लक्ष्मण मिलित्वा मिलकर सुखपत्रय तिनको से एका एक पर्णशाला कुटिया की रचना अरचयत रचना करते हैं, एक कुटिया बनाते हैं। एकम स्वर्ण मृगम दृष्ट्वा सीता तम ग्रहितुम हतम करोति, एकम एक बार स्वर्ण मृगम सोने के मृग को दृष्ट्वा देखकर सीता तम ग्रहितुम उसको पकड़ने के लिए हतम करोति हट करती हैं। यदा श्री राम लक्ष्मण च तत्र न आस्ताम, जब श्री राम और लक्ष्मण तत्र न आस्ताम वहाँ नहीं थे। तदा दुष्ट रावण सीताम अहरत, तब दुष्ट रावण सीता का हरण कर लेता है, अपहरण कर लेता है। सब पुष्पक विमानेन सीताम नित्वा अधावत, वह पुष्पक विमान से सीताम सीता को नित्वा लेकर अधावत भाग जाता है, लेकर चला जाता है। श्री राम रावणम वाणेन अमारियत, श्री राम रावण को बाणों से मारते हैं। चतुर्दश वर्षाणी पश्चात, 14 वर्षों के पश्चात श्री राम लक्ष्मण सीता च स अयोध्याम प्रत्यागच्छत, 14 वर्षों के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता च लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्याम प्रत्यागच्छत वापस आते हैं। तान दृष्ट्वा जना प्रसन्ना भवंती, उनको देखकर दृष्ट्वा देखकर जना प्रसन्ना भवंती लोग प्रसन्न होते हैं। इसको आप बाद में रिवीजन कर लेंगे और इसका रिपीटेशन करके जो भी दिक्कत होगी आप लोग पूछ लेंगे। थैंक यू।